Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. सभी लोग फ्लैशिंग कर लेंगे एमटीके की, कॉलकॉम की, सैमसंग की, एमआई अभी तक और आईफोन, आईफोन भी कर लेंगे ना। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आप बताइए, आपको अनुभव 5 दिन का कैसा रहा यहाँ पे? अनुभव एकदम बेस्ट रहा, और जैसे कि क्लास में डायरेक्ट फ्लैशिंग करके दिखाई प्रैक्टिकली जो आपको, ऐसा तो नहीं केवल थ्योरी वाइज बताया गया हो यहाँ पे सॉफ्टवेयर? जो भी होता है वो थ्योरी वाइज होता ही नहीं, आपको यहाँ पे सारा प्रैक्टिकल वाइज है ना, जो भी यहाँ पे चलता है आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल वाइज दिखाया जाता है कि फेक है कुछ ऐसा? कभी नहीं बनाया, और तुमने बिना सर्किट डायग्राम के पूरा सर्किट बनाया, उसका ट्रेस किया सीरीज पैरेलल, क्योंकि उसमें किस किस चीज की नॉलेज होना जरूरी। 8 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप में ये महसूस करता था कि मैं बहुत ही अच्छा टेक्नीशियन हूँ। लगभग 8 साल पहले एक दूसरे इंस्टीट्यूट में मैंने काम सीखा था हार्डवेयर का, पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। सर के पास यहाँ पर आया तो मैंने सर से 3 दिन में ही बहुत ही काफी कुछ सीखने को मिला था। मतलब अगर आपको डाटा बचाना है और आपको सीखना सही तरीके से फ्लैशिंग, बाइटी नंबर क्या होती है, सारी चीजें आपने यहाँ पे सीखी, यहाँ पर मीडियाटेक का फ्लैशिंग हो या कॉलकॉम का फ्लैशिंग हो या एसपीडी का फ्लैशिंग हो, एमआई की फ्लैशिंग आप कर लेंगे यहाँ पर। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल एसे टेलीकॉम जी। आज इनका सॉफ्टवेयर का क्लास, 5 दिन की क्लास कंप्लीट हो गई है सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर इनका कंप्लीट हो चुका है और ये सॉफ्टवेयर की क्लास, 5 दिन की क्लास कंप्लीट हुई है। मीडियाटेक, कॉलकॉम, एसपीडी, सैमसंग, एमआई, ठीक है, इतनी क्लास हुई है ना। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो है दोस्तों, ये हम रिव्यू देख रहे हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर की क्लास हुई है दोस्तों, तो इन्हें कितना आ रहा है, ये अपना आउटपुट देंगे। सभी लोग हाथ उठाएंगे, सभी लोग फ्लैशिंग कर लेंगे एमटीके की, कॉलकॉम की, सैमसंग की, एमआई अभी तक और आईफोन, आईफोन भी कर लेंगे ना। और हम बात करें, आज हमने ओप्पो फाइल वाइज, अगर फाइल वाइज आती है, अगर वो ऑफलाइन है तो वो टूल, जो टूल आती है वही टूल सेलेक्ट लेंगे ना, अलग से कोई टूल तो हमें बेस्ट वही है कि जो हमारे फाइल में टूल आ रही है वही टूल लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब तो हम थोड़ा सा पूछते हैं, ज़्यादा बहुत बड़ी वीडियो नहीं है हमारी, छोटी सी वीडियो है। ये पूरे सॉफ्टवेयर का हम अभी रिव्यू ले रहे हैं, जितना हमने पढ़ाया है अभी तक का वो सारे अभी वीडियो का रिव्यू लेंगे। ठीक है, आप खड़े हो जाइए। चलिए बताइए, मीडियाटेक में कौन सी फाइल आती है? स्कैटर फाइल होती है। टूल कौन सा यूज होता है? एसपी फ्लैश टूल। ड्राइवर कौन से होते हैं? यूएसबी कॉम प्रीलोडर। प्रीलोडर कौन से दो ड्राइवर चलाने होते हैं? 6588, 6788। मैनुअली की इंस्टॉलर? मैनुअली। मेन हमारा तो मैनुअली है, हम इंस्टॉलर अगर ड्राइवर मिलते हैं तो चला सकते हैं, पर हमें मैनुअली ड्राइवर को चलाने हैं। ठीक है, कॉलकॉम की बात करते हैं, तो कॉलकॉम में कौन सा टूल यूज होता है? QPST या तो QFIL। ठीक है, हम बात करते हैं, तो आप बताइए कॉलकॉम में कौन सी फाइल आती है? .mbn फाइल, वेरी गुड। आप बताइए ड्राइवर कौन से यूज होते हैं कॉलकॉम में? 9008, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं एमआई के लिए अलग से ड्राइवर चलाने हैं क्या? कौन से ड्राइवर चले होते हैं? कॉलकॉम वाले ही। बट हम बात करें अगर, तो कितने कितने से कॉलकॉम पोर्ट आप बना सकते हैं? पहला तो एडीएल टेस्ट पॉइंट कॉलकॉम का, और पोर्ट बताइए आप। आप बताइए कॉलकॉम का पोर्ट और आप किस तरह से बनाएंगे? मोबाइल को खोल के टेस्ट पॉइंट से पहला, दूसरा मोबाइल को ऑन ऑफ, सॉरी पावर की और ये दबा के कर सकते। ठीक है, पावर की और आप दोनों को प्रेस करेंगे। तीसरा EDL केबल, कौन सा होता है? तीन तरीकों से कॉलकॉम पोर्ट बना सकते हैं ना। फिर से बोलिए, पहला टेस्ट पॉइंट, दूसरा, तीसरा। क्लियर है? अच्छा, हम बात करते हैं मीडियाटेक का पोर्ट बताइए, कैसे पोर्ट बनाएंगे बताइए? मीडियाटेक का पोर्ट हाँ, वो तो पोर्ट हमें दिखाई देगा, हम मोबाइल को कनेक्ट कैसे करेंगे?
पे वॉल्यूम ऑफ करेंगे, या तो वॉल्यूम ऑफ या तो उसके बाद लगा देंगे, उसके बाद लगाएंगे फिर उसके बाद उसमें पोर्ट दिखाएगा सर। पोर्ट तो दिखा देगा, और भी तरीके हैं ना, आप बताइए। वॉल्यूम अप, वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम डाउन या दोनों को एक साथ, या तो दोनों एक साथ, या तो कुछ भी नहीं, मतलब हम उसका पोर्ट जो भी है तो हमें या तो अप या तो डाउन या तो कुछ भी नहीं, मतलब फ्लैश मोड। कौन सा मोड? और एम आई कौन से मोड में होता है? एम आई कौन से मोड में होता है? ठीक है, चलिए कॉलकम क्लियर हो गया। सैमसंग की हम बात करें तो सैमसंग में बताइए कौन सी फाइल आती है? कोई बात नहीं, बोलिए, याद करके बोलिए। डॉट फाइल। डॉट टर फाइल। कौन सा टूल यूज होता है? ओडीएम टूल। अब इसकी बात करें तो हमने एमआई कौन से मोड में कनेक्ट होता है? सैमसंग उसको डाउनलोड मोड भी बोल सकते हैं, उसको ओडीन मोड भी बोलते हैं। कौन सा मोड? सैमसंग डाउनलोड मोड में भी कनेक्ट होता है और उसी को ओडीन ही बोलते हैं। डाउनलोड को ही हम क्या बोलते हैं? ठीक है, अब आप बताइए कि एसपीडी में कौन सा टूल यूज होता है? एसपीडी में अपग्रेड डाउनलोड टूल। अपग्रेड डाउनलोड टूल होता है। फाइल कौन सी आती है? पैच फाइल आती है। वेरी गुड, चलिए ठीक है। और चलिए, सॉफ्टवेयर का आपका 5 दिन का क्लास था, कैसा रहा आप बताइए? 5 दिन का सॉफ्टवेयर का क्लास रहा? 5 दिन का हमारा क्लास बहुत अच्छा रहा। क्या आपको मिला आउटपुट? बहुत कुछ सीखने। इनपुट क्या मिला आपको? यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम कोई सा भी सेट फ्लैश कर सकते हैं। कोई सा भी फ्लैश कैसे करेंगे आप? सीपीयू वाइज, फाइल वाइज की मॉडल वाइज? सीपीयू वाइज और फाइल वाइज हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अगर हमारे में स्केटर फाइल आई तो कौन सा टूल यूज करेंगे? अगर पैक फाइल आई तो? एम्बियन फाइल आई तो? ठीक है, वेरी गुड। अगर हमें सीपीयू जानना है, हमारे फोन का तो लिखा तो नहीं रहता है ना फोन के ऊपर? मॉडल नंबर डाल के सीपीयू टाइप करेंगे। सीपीयू टाइप करेंगे। और दूसरा तरीका? जीएसएम अरेना। तीसरा? पोर्ट बनाएंगे, चेक करेंगे पोर्ट कंप्यूटर में, वो तब काम करेगा जब आपके ड्राइवर उसमें। चौथा? फाइल या तो टूल। फाइल या टूल, क्योंकि हम टूल से ही पहचान सकते हैं। एसपी फ्लैश टूल किसकी सीपीयू है? समझ में आ रहा है? और पांचवा, चलिए बताने की जरूरत नहीं है, वो आप जानते हैं। ठीक है, पांचवा तरीका है उन लोगों के लिए दोस्तों जो ज्यादा वर्क करते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क वालों का है वो, आप जानते हैं कि नहीं? पांचवा तरीका आपको, पांचवा तरीका सीपीयू जानने का बेस्ट तरीका है वो। ठीक है, वो आपको बताया, ऐसे टेलीकॉम स्टूडेंट को बताया। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आप बताइए, आपको अनुभव 5 दिन का कैसा रहा यहाँ पे? अनुभव एकदम बेस्ट रहा। और जैसे कि क्लास में डायरेक्ट फ्लैशिंग करके दिखा रहे प्रैक्टिकली, जो आपको ऐसा तो नहीं केवल थ्योरी वाइज बताया गया हो यहाँ पे सॉफ्टवेयर? जो भी होता है वो थ्योरी वाइज होता ही नहीं, आपको यहाँ पे सारा प्रैक्टिकल वाइज है ना। जो भी यहाँ पे चलता है आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल वाइज दिखाया जाता है कि फेक है कुछ ऐसा? बताइए, 5 दिन का आप अपना अनुभव बता दीजिए सॉफ्टवेयर का। अभी एक ऐसा भी हमारे पास फ्लैशिंग आ जाएगा, तो कीपैड से लगा के आईफोन लेवल तक हम कोई भी मोबाइल को फ्लैश, आईफोन भी फ्लैश कर देंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, आईफोन का कोई भी, अगर आपके पास आईफोन एक्स आता है तो आप फ्लैश कर देंगे? किस टूल से करेंगे? आपके दो टूल कौन से चाहिए आईफोन में, आप बताइए? आईफोन के लिए कौन सा दो टूल यूज करना है हमें? थ्री टूल और आईट्यून। ठीक है, चलिए आप बता दीजिए आपका अनुभव कैसा रहा 5 दिन का सॉफ्टवेयर का? सर बहुत बेस्ट रहा। बेस्ट रहा मतलब सीखने को मिली सॉफ्टवेयर की नहीं मिली आपको? हाँ सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। आप सीपीयू वाइज, फाइल वाइज या तो टूल वाइज पहचान जाएंगे ना? चलिए धन्यवाद आपका। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से सीपीयू की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल या लिखिए एसर टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, यह आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। तो भी मेरे को 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है,
तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है, तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात करूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीज़ें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज़ नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। हाँ, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिराकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो सर्किट बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के जो टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे? तो मैं यहाँ पे गए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से। हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था या तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं आप? इसका EMMC और CPU निकाल करके दोबारा लगा। और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फील्ड में वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे, मतलब हम बोले सभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है, मतलब हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी हमें बोलते हाँ हमें बोलना है, कहेंगे तो ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो, मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हमको भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उसको चुना जाए, तो मैंने फिर देखा और यहाँ पे आया तो टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड हैं सर? 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाके सर मैंने बिल्कुल काम कर सकता हूँ और आईफोन फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्कूल हो सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी, तो मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ।
यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ, कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, हाँ। तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं से बोले कि इसके अंदर, हाँ। एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और अच्छा जी सर सुना, जी सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर। कल नए बच्चे जो आए थे, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पे आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Announcing 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute.